एक भाई और आए फलक लो भाई भी आया अजमेर से, वहाँ से मुंबई से राइट। हाँ मुंबई से। तो भाई के बर्थडे में भाई भी आए, तो माशाल्लाह इनको तो जानते होंगे आप लोग। तो अभी क्या क्या होता है? मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं हूँ दरगाह बाजार में। तो दरगाह बाजार में मेरा भाई मिला आसिर फलक, जो कि आज भाई का बर्थडे है। तो ज़्यादा से ज़्यादा विश करें भाई का आज बर्थडे। और आज का मेरा ब्लॉग ये होगा कि भाई का बर्थडे तो मतलब कौन कौन सी पब्लिक विश करती है और क्या क्या होता है, कौन कौन से गिफ्ट आते हैं माशाल्लाह, और सारा एक्सप्रेशन करूँगा आपको दिखाता हूँ एंड मचाते हैं। और कुछ भाई लोग और भाई आना आप भी आओ। तो एक भाई और आए फलक लो भाई भी आया अजमेर से, वहाँ से मुंबई से राइट। हाँ मुंबई से। तो भाई के बर्थडे में भाई भी आए, तो माशाल्लाह इनको तो जानते होंगे आप लोग। तो अभी क्या क्या होता है एक्सप्रेशन तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो लव क्या नाम था आपका? लव फलक लो फलक लो। बाकी आप तो अपने मियाँ हो, आप तो हमारे देख सकते हो। फाइनली लव फरान खड़ा है सामने। क्या बोलते हैं लव फलक लव फलक। और कुछ पब्लिक है बार बार आ रही है, मिलके जा रही है माशाल्लाह। ये गरीब नवाज सरकार, यहाँ पे तो सभी लोग आते हैं माशाल्लाह। तो ये भाई अपने इंदौर से भाई से मिलना है, और आसिर फलक से भी मिलने आए थे भाई, तो मिलके गए। तो बाकी और कहाँ कहाँ जाएगा क्या क्या करेगा मैं आपको बता दूँ इंशाल्लाह। हे गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं हूँ अजमेर शरीफ दरगाह, मतलब जो कि दरगाह बाजार है। तो दरगाह बाजार में मुझे मिले कुछ भाई लोग जो कि इंदौर के फेमस है मेरे भाई। RDS ग्रुप से ताल्लुकात तो है भाई के माशाल्लाह। वेलकम ब्रो। तो भाई लोग माशाल्लाह अजमेर शरीफ में आए, तो भाई लोगों ने मेरा यूट्यूब का चैनल देख रखा था एंड वीडियो देख रखी थी, तो भाइयों ने सपोर्ट किया। अरे भाई शुक्रिया भाई। तो भाई MP से आए भाई से मिलने, मतलब बोला कि दरगाह शरीफ भी जाएंगे तो मिस्टर खान से भी मिलेंगे, क्योंकि इनको पसंद आई मेरी लाइक बीच। क्या क्या देखा था मतलब भाई आपने? भाई तो आपके व्लॉग वगैरह, आपके डायलॉग्स मतलब बहुत बढ़िया, फ्यूचर में टॉप ब्लॉगर है हमारे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। जैन के बाद भाई आने वाले माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो भाई यही रही, शुक्रिया भाई। तो भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो। और खास करके दिल से बोलूँ ना, तो भाई गुजरात वाले और इंदौर वाले एमपी वाले मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या बात, क्या बात। तो भाई इंशाल्लाह मैं इंदौर भी आने वाला हूँ, कमिंग सून इंदौर इंशाल्लाह भाई। आगे से मिस कर मत दीजिए आप, वेलकम मोस्ट वेलकम। तो आते हैं मचाते दिखाते जाएंगे जनाना मर्दन। तो भाई मैं उधर आएगा देखेगा दिखाएगा कितना बड़ा है, मतलब तुम्हारा इंदौर शहर। तो भाई तुम कभी भी आना, एक बार देख के जाना कितना बड़ा है हमारा अजमेर शहर, अगर कोई भी आ रहा हो तो। बाकी डायलॉग तो तुम समझ गए होंगे, बाकी भारी है। बाकी मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मतलब बताऊंगा ब्लॉग शूट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गाइस फाइनली मैं हूँ दिल्ली गेट में, और दिल्ली गेट में मुझे मेरे दो भाई मिले जो कि भाई MP से है। भाई बहुत अच्छा लगता है जैसे कि अच्छे लोग मिलते हैं, मतलब भाई जैसे लोग अच्छे लोग मिलते हैं, आप कोई भी हो। तो भाई ने पता मेरे लिए क्या क्या, भाई ने पान खिलाया चाय पिलाया, जो कि मेहमान मेरे यार, मैंने इनको बोला जीत के, मैंने कहा मैं खिलाऊंगा मैं पिलाऊंगा, मतलब समथिंग यार व्यवहार होता है। तो अच्छे लोग हैं यार, भाइयों को सपोर्ट करना मेरी तरफ से, मैं दिल से बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। भाई दोनों ID बता दो अपनी। हाँ भाई ID बता दो। ID अजहर खान, तनवीर खान। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिल के, एंड आई होप भाइयों को भी अच्छा लगा होगा। भाई सपोर्ट करना भाई, हमको तो एक ही चाहिए बस, हमारा भाई को फेमस। शुक्रिया भाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे लोग मिलते हैं। तो मिलो आप अजमेर में। गाइस मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान, और मैं आया हुआ हूँ माया मंदिर, जो कि हम लोग आए मूवी देखने। ये मेरा भाई अखिल जो कि ब्यावर से है, एंड मेरे पास भाई मीट करने आया था, एंड भाई को मैंने कहा चल भाई मूवी देखने चलते हैं, एंड टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छी मूवी, हमने कौन सी मूवी देखना है? छिछोरे मूवी। आइए और देख के जाइए। तो अभी हम कैमरा घुमा के दिखाते हैं यहाँ का सीन कैसा है। तो आप कोई भी हो कहीं के भी हो इंशाल्लाह, अगर अजमेर से पा रहे हो ना मेरे पास, तो तुम्हारा भाई का बहुत बड़ा है दिल। तो मिलो इंशाल्लाह, मिलते हैं। तो अभी भाई को इंजॉय करा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप भी आओगे तो आपको भी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा दोस्त है तो इंजॉय, आप कोई भी हो सबको। कुछ बोलना चाहेगा तुम? नहीं काफ़ी।
गाइस आप लोग देख सकते हो ये माया मंदिर है एंड माया मंदिर का लोकेशन कुछ ऐसा है, देख सकते हो ये यहाँ का, ये माया मंदिर अजमेर का हमारे, एंड यहाँ पे हम लोग आए मूवी देखने। सामने देख सकते हो यहाँ का कुछ ऐसा है, और ये देखो सामने पोस्टर बोर्ड है, ये नीचे का सीन है और ऊपर का भी है। ऊपर भी है दो, एक नीचे दो, यहाँ पे छा तीन है, यहाँ पे तीन हॉल पड़ते हैं ना, एक नीचे और दो दो ऊपर है, वो भी एंट्री है क्या? सेम ही है। तो यहाँ पे तीन पर्दे गाइस, गाइस आप देख सकते हो तैयारी करके जब आप लोग इधर से एंटर होंगे एंट्री गेट, तुम लोगों का पता नहीं ये माया मंदिर का एंट्री गेट है। सुधर गया सेक्शन, पहले तो हर घंटे चेंज करता था, भैया हमारे भी बूढ़ा हो गया ना भैया, उसे भी आराम की जरूरत है। अबे चड्डी लाने की क्या जरूरत थी, लेकिन इससे मांग लेता मूवी चल रही है। गाइस मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं आया हूँ अजमेर में ही, मतलब अजमेर में ही हूँ मेरे दोस्त के पास, जो कि भाई हमारे तीन चार सॉरी चार मेरे दोस्त है, एक इधर भी है और एक उधर भी है जो कि वो सो रहा है यार, उसको थोड़ा तबीयत खराब है, बुखार हो गई है। तो इन भाई जामनगर के बराबर ने गुजरात में था, मैं क्या ना छो माशाल्लाह। तो भाई आप मुझे कैसे जानते हो, आपको क्या अच्छा लगा मेरा यूट्यूब चैनल आपका? माशाल्लाह, तो भाइयों ने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा है ना, और क्या देखा था, इंस्टा की आईडी, तो भाइयों ने सपोर्ट किया है। अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगता है ना क्या चैनल, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, छोटा भाइयों तुम्हारा सपोर्ट करना। तो बाकी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रूम बहुत ज़ोरदार है, देख सकते हो आप माशाल्लाह, ये देखो इसकी लोकेशन ज़ोरदार है। तो गाइस ये पता कितने रुपये में पड़ा है, ये चार दिन के लिए 2400 रुपये में चार दिन के लिए, और वो भी चार जनों के लिए। वाह यार कितने दिन, एक दिन का कितना पड़ा फिर? 700-800 एक दिन का, एक आदमी का, एक आदमी का, एक दिन का 700 रुपये, एक दिन का 700 रुपये पड़ा, समथिंग समझ सकते हो 700-800 समथिंग। तो बाकी अगर आप लोग अजमेर में आ रहे हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको दिलाता हूँ कमरा रूम, मैं पता यही इसीलिए कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। भाई गाइस उसको देखो, सारी वीडियो बन चुकी है उसके बाद उठाया वो। अभी थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए उसका लिया ही नहीं है, बाकी मतलब वीडियो बाकी कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। तो बलूच को देख सकते हो, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, सो रहा है, स्लीपिंग नाइट टाइम, एंड ईयरबड्स में टीवी अवेलेबल है, और बताता हूँ पंखा भी है एसी भी है। गाइस जोरदार माना, पहले ये घर था और इस घर को फिर हटा के इसने गेस्ट हाउस कर दिया गया, जोरदार है। बाकी आप लोग अजमेर, ओहो मिरर भी है इधर, और यहाँ का बाथरूम भाई बहुत जोरदार है, अभी देख के आया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा गंदा कर रखा है अभी, बाकी अच्छा है, सुबह दिखाऊंगा। तो गाइस देखो यहाँ का बाथरूम स्पेशल है यार, इधर देखो कितना स्पेस है, यहाँ का देखो डबल डबल बाथरूम एक के साथ एक फ्री। गाइस क्यों बाकी रात के बज रहे 2 और यहाँ गूंज रही आवाजें, मैं तो भागता हूँ, रात के 2 बजे आवाजें गूंजती है। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान और मैं अजमेर में ही हूँ, और अजमेर में मुझे मिले 3 मेरे दोस्त जो कि भाई अहमदाबाद से, बराबर ने? हाँ बराबर बराबर, राइट। तो भाई अहमदाबाद में आप कहाँ रहते हो? सालम में रहते हो? तो भाई आप मुझे कैसे जानते हो या आपको क्या अच्छा लगा मेरा? आपकी बात है माशाल्लाह। भाइयों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब पर चैनल भी देख रखा, राइट? यस। भाइयों ने यूट्यूब पर चैनल देख रखा और सपोर्ट भी करते हैं, एंड भाइयों को मेरी लैंग्वेज अच्छी लगी जो कि आप लोग सुनते ही हो, जनाना मर्दाना जवान फिसल गई, 7 भाषाओं में बात कर सकता हूँ। तो अभी मैं कहाँ हूँ पता है? अजमेर में भाई के होटल पे हूँ, मतलब भाई के होटल क्या मतलब भाई के रूम पे हूँ। और अभी और ये रूम कितने का पड़ गया अपना ये रूम? गाइस अगर आप लोग अजमेर में आ रहे हो ना, तो अजमेर में ये होटल का नाम मैं बाद में बताऊँगा आपको, बट ये रूम सस्ता है और अच्छा है, मतलब एक आदमी का कितना 500 पड़ गया एक दिन का, राइट? यस हां, है ना। अभी इन्होंने क्या थोड़ा गंदा कर रखा है, बट ये रूम बहुत जोरदार है और बाहर से क्लियर भी बहुत जोरदार है। मैं बताना चाहता था मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई, अगर वो वीडियो वापस आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं। मैं अहमदाबाद गया था ना भाई, तो अहमदाबाद वालों का बहुत बड़ा मानना पड़ेगा भाई, मैं अहमदाबाद में गया था ना, अहमदाबाद में मेरा 1 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपये भी नहीं, सिर्फ मेरा जाने का लगा आने का लगा, वहाँ पे रहना फ्री में, खाना फ्री में, और घूमना भी फ्री में। उन्होंने कार लाए, बुलेट लाए दोस्तों ने, एंड बहुत चीज़ें खिलाई पिलाई, आप लोगों ने देखा ही होगा, एंड मतलब फुल एंजॉय किया। और अहमदाबाद वालों का बहुत बड़ा दिल मानना पड़ेगा,
और सभी का बड़ा होता है वो, तो मैं आपके स्टेट में आता था जैसे रामपुर गया वहाँ पे भी लोगों ने बहुत प्यार किया, एंड दिल्ली गया था दिल्ली में भी बहुत अच्छा लगा, और अभी पानी वहाँ पे गया था भीलवाड़ा गया था वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच यार इतना प्यार देते हो। मैं ब्लॉगर हूँ भाई, मैं यही बताना चाहता हूँ ब्लॉगर मैं इसीलिए बनाऊँ क्योंकि पब्लिक मुझे प्यार करती है। और अगर टिकटॉक स्टार बनना चाहो तो भाई ने कहा था टिकटॉक स्टार बन जा, तू बन सकता है, तू तेरा फेस अच्छा राइट ना। भाई ने बोला क्या बोला था भाई आपने फिर रिपीट करना भाई, आप टिकटॉक स्टार बन जाओगे आप कहीं आगे निकल जाओगे, बहुत शॉर्ट टाइम पर आप आगे निकल जाओगे माशाल्लाह। तो भाई ने सपोर्ट किया है, और मैं ये कहता हूँ कि मैं टिकटॉक स्टार इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि टिकटॉक स्टार वाले जो होते हैं ना वो यार ज्यादातर पब्लिक उनके ऊपर गुस्सा होती मारती है, और मेरा सिस्टम ये कि मैं चीजें बताता हूँ, दरगाह घुमाता हूँ, आपको याद कराता हूँ माशाल्लाह, और शहर के बारे में जानकारी देता हूँ, तो पब्लिक को ज्यादा पसंद आता है। और कुछ नए लोग जो मुझसे जुड़ते हैं वो सोचते हैं भाई ये न्यूज वाला है, न्यूज वाला समझ के बहुत सम्मान करते हैं। सर कितना अच्छा लगता है अगर कोई पब्लिक अपन को सर बोले यार, बहुत प्यारा लगता है। इसमें हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान, और फाइनली भाई लोग जा रहे हैं अब अपने वहाँ पे वापस अहमदाबाद, और इंशाल्लाह मैं भाई के पास अहमदाबाद जाऊँगा तो इंशाल्लाह मीट, हाँ तो भाई लोग मेरे को वहाँ पे घुमाएंगे फिराएंगे दिखाएंगे कैसा है अहमदाबाद। वैसे तो मैंने देख ही लिया है बट एक बार और देखूंगा जाऊँगा भाइयों के पास, है कि नहीं। तो भाई इधर अजमेर, भाई इधर अजमेर आए थे तो भाइयों को घुमाया मैंने अजमेर, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो भाइयों को अच्छा लगा, भाइयों को मैंने घुमाया अजमेर, एंड अब मैं इनके पास जाऊंगा तो ये लोग भी मुझे घुमाएंगे इंशाल्लाह अपना अहमदाबाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट में, तो अल्लाह हाफिज़।